कील मुहासे या फिर पिंपल्स या कह सकते हो पस्चूल, थोड़े थोड़े पस के भी दाने हो जाते हैं आपके शरीर के अंदर, चेहरे पर काफी सारा हो जाता है। फीमेल में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब ऐसी प्रॉब्लम होती है। ऐसी चीज के लिए आज लेके हैं एक ऐसा ट्रीटमेंट जो आपको जल्द से जल्द रिलीफ देता है और अच्छे से रिलीफ देता है, बट इसको यूज करने के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको वार्निंग होती है, जो ध्यान रखनी होती है, उसके बिना अगर आप इसको यूज करते हो तो समस्या बढ़ भी सकती है। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हम हैं, आप हैं मेडिकल ज्ञान। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स आपके अपने इस चैनल मेडिकल ज्ञान। तो जैसा कि आपको बताया गया कि कील मुहासे पिंपल्स ये आजकल ज्यादा समस्या है। फेस अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ठीक है, मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए लोग क्या करते हैं, महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराते हैं, कई बार सर्जरियां करा लेते हैं। बट अगर पिंपल्स वगैरह की आपको दिक्कत है, छाइयां हो गई है, ऐसा कुछ दाग वगैरह हो गए हैं, तो उनको साफ करने के लिए, उनको सही करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहले तो ये है क्या, देखिए आपके स्किन बहुत ज्यादा नाजुक होती है, स्किन के ऊपर काफी परतें होती हैं। उन परतों के अंदर कई बार बाहर से आने वाले इन्फेक्शन की वजह से, धूल की वजह से, प्रकाश की वजह से, सूरज की वजह से ऐसी दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद पिंपल्स हो जाना, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पिंपल हो जाना, फंगल हो जाना, जिससे क्या होता है हमारे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, और ज्यादा इन्फेक्शन हो किसी बैक्टीरिया का तो उसके अंदर पस भी भर जाता है। अब इसी के लिए ही एक ट्यूब आती है जिसका अपने नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन लेनी कैसे है, डॉक्टर की सलाह से, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। तो इसके अंदर कुछ ट्यूब आती है पेसिटीना एटी नाम से, एसिनेसोल नाम से, ए नाम से, सेराफ्लिन नाम से, तो काफी सारी इसके अंदर ब्रांड नाम अलग होगा, बट इसके अंदर शाल्ट जो होता है एडेपलिन प्लस क्लिंडोमाइसिन, एडेपलिन और क्लिंडोमाइसिन दो शाल्ट है। एडेपलिन आपके लिए एक विटामिन ए का ही एक सब्सिट्यूट होता है, विटामिन ए ही है एक तरह से, ये मान के चलिए नॉर्मल भाषा में बताऊं तो ये क्या है, विटामिन ए है, जो क्या करता है आपकी स्किन के अंदर पाए जाने वाले पोर जो होते हैं, रंध्र जो होते हैं, और जो उसके अंदर सप्लाई हो रही है ब्लड सप्लाई, उनको खोल देता है रंध्र, जिससे क्या होता है ब्लड सप्लाई सही से होती है, और जितनी अच्छी ब्लड सप्लाई होगी उसी अकॉर्डिंग आपको फेस की जो स्किन है वो ग्लो करेगी। जो आपके पिंपल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं इसको रोक देते हैं। दूसरा आता है क्लिंडोमाइसिन। क्लिंडोमाइसिन एक क्या है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो आप टेबलेट फॉर्म में भी लेते हैं और इसको सुपरफिशियली लगा सकते हैं ऑइंटमेंट के रूप में। ये दोनों क्या करती है, एडेपलिन तो क्या करेगी आपके जो पोर वगैरह है उनको खोल देगी अच्छे से, जो स्किन की त्वचा है उनको कोमल कर देगी और ब्लड वेसल्स उसके अंदर सही से काम करेगी। और सेकंड वन आता है क्लिंडोमाइसिन। क्लिंडोमाइसिन के अंदर एंटीबायोटिक है, अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से ऐसा इन्फेक्शन हुआ है, जैसे मान लीजिए पस भी भर रहा है, ऐसी दिक्कत आ रही है, तो वो इसके अंदर उसको रिलीफ कर देगी। बट इनको लगाने का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ये जो ट्यूब है इसमें जो एडेपलिन होता है, जो क्या है विटामिन ए है, इसको यूज करने से पहले ये याद रखिए कि इसको सनलाइट में नहीं ले जा सकते। आपने लगाया और आप सनलाइट में चले गए तो आपको इसके काफी सारा नुकसान देखने को मिल सकता है, ये ज्यादा ही बढ़ सकती है आपके पिंपल्स वगैरह, आपको और ज्यादा नुकसान हो सकता है। सेकेंड वन, इसको लगाना कब है, ये नाइट में लगाया जाता है, रात को सोते समय आपको ये लगानी होती है। पहले अच्छे से वॉश कीजिए, मुंह को धो लीजिए अच्छे से, ताकि उसके ऊपर जो भी आपके साबुन क्रीम वगैरह, जो भी आप मेकअप वगैरह करते हैं वो हट जाए। उसके बाद हमको क्या करना होता है, इसके ऊपर ये अप्लाई करनी होती है क्रीम नाइट के अंदर, याद रखिएगा नाइट के अंदर ही इसको अप्लाई करना होता है, यही आपको डॉक्टर बताएगा, तो डॉक्टर की सलाह भी जरूर लेनी होती है। इसको लगाने के बाद ये अपना नाइट में असर करना स्टार्ट कर देता है। अब लगाने के बाद इसके कुछ साइड इफेक्ट भी आते हैं, साइड इफेक्ट में जैसे इचिंग होना, रेडनेस हो जाना, ठीक है, आपको जलन महसूस होगी थोड़ी सी, ज्यादा भी हो सकती है, कुछ में ये हल्के फुल्के आते हैं और थोड़ी देर बाद सही हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऐसे सिम्टम ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और पिंपल्स वगैरह ज्यादा बढ़ रहे हैं, छाइयां वगैरह हो रही है, काला हो रहा है, ठीक है, रेडनेस बहुत ज्यादा आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से हाथों हाथ कंसल्ट करना चाहिए। मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से तो कंसल्ट करना ही करना है, ठीक है। अब इसके अंदर आता है स्वेलिंग आ जाएगी आपको, ठीक है, सो नहीं पाओगे, इरिटेशन रहेगी, बेचैनी होगी आपको, और ज्यादा फेस खराब हो जाएगा तो
वही है ना, बाहर कैसे जाके दिखाओगे, किसे दिखाओगे। तो इसलिए क्या है, हमें इसको लेने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे कोई साइड इफेक्ट आए तो आपको डॉक्टर के साथ मिलना है। अगर आपको इन दोनों शॉट से, एप्लीन और क्लिंडोमाइसिन से, आपको कोई एलर्जी है किसी प्रकार की, दोनों में से लगाने से आपकी स्किन वगैरह बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देती है, एलर्जी रिएक्शन हो जाता है, तो आपको क्या करना है, इसको यूज़ नहीं करना। सबसे पहले इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हल्का सा लगा के देखिए स्किन के ऊपर, अगर आपको उसके अंदर कुछ इरिटेशन वगैरह कुछ थोड़ी देर बाद दिखाई देती है तो समझ जाइए आपको एलर्जी। अब क्या है, अब जब ये एलर्जी रिएक्शन हो जाती है, अब इसके अंदर इसके काफ़ी सारे प्राइस आते हैं, ये 140 रुपये से लेकर आपको 400-450 रुपये तक ट्यूब वगैरह मिल जाती है। जेनरिक में भी ये ट्यूब अवेलेबल है, तो आप जेनरिक से भी ले सकते हैं, सबका काम एक सा ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। कंपनी जेनरिक मेनली एक जैसी चीज़ होती है, ठीक है। मान लीजिए एक जेनरिक के अंदर किसी चीज़ को 70% उसकी अमाउंट होती है, तो कंपनी वाले में 80% होती है, पर 5-7% का ही होता है, बाकी ये वर्किंग सेम करते हैं। लेना कितने टाइम के लिए है, तो देखिए जब भी ऐसी क्रीम ली जाए, ये क्रीम होती है जो, इसको लगाने के लिए ऑइंटमेंट को आपको कम से कम 2-3 हफ्ते इसको लगाना ही पड़ता है, इसके बाद अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद हम इसको 1-1.5 महीने भी लगाते हैं लगातार, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट दिखाई देता है। याद रखिएगा इसको दिन में नहीं लगाना है, ये रात के लिए होती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, किसी और के भी काम आ जाए। जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसी वीडियो आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।